अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप सब के साथ और अपने तमाम क्रिकेट प्लेयर्स के साथ एक दिल दहला देने वाली और वाकई हकीकत पर मबनी एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे और आपका एतबार क्रिकेट से कुछ बकुछ उड़ जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें, दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं यह दुनिया फ़ानी है, एक न एक दिन चाहे अमीर है या गरीब इस दुनिया में सबको इसे छोड़कर जाना है, चाहे वो इस दुनिया में कितना ही नाम क्यों ना कमा चुका हो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कोच पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की तरफ से कोचिंग कर चुके हैं और उन प्लेयर्स को खेलना सिखा चुके हैं, उनका नाम है किंग्स जोन, और अब रिसेंटली कराची ने उन्हें बाय किया तो यानी ख़रीद लिया कि वो उनके प्लेयर्स को अच्छी बैटिंग सिखाएं। दोस्तों आपको उनकी काबिलियत का अंदाज़ा यहीं से हो सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें दो दफ़ा एज ए कोच फ्रॉम अमेरिका बाय किया, और जब उन्होंने उनको बाय किया तो उन्होंने टोटल दो साल उन्हें यानी रहनुमाई की उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों की। अगर दोस्तों देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक दो बार PSL का फाइनल जीत चुका है और PSL ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। इससे होगा ये कि दोस्तों मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि जॉन किंग्स, जो कि पहले दो मर्तबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की रहनुमाई कर चुके हैं और उन्हें मैदान में जितवा भी चुके हैं, जी हाँ दोस्तों इस्लामाबाद ने उनसे दो बार क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसे राज सीखे जो उन्हें सीखना चाहिए थे तो उन्होंने सिखाए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड एज़ यू आर वेल नोन दो मरतबा PSL की ट्रॉफी हासिल कर चुकी है। अब उन्हें तीसरे साल कराची किंग्स वालों ने ख़रीदा था ताकि वो उनके प्लेयर्स की और क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसे राज बता सकें, उन्हें कुछ ऐसे स्ट्राइक्स बता सकें जिन्हें सीखकर वो मैदान में अच्छा प्ले कर सकें। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि आज 2020 में 24 सितंबर को इन अमेरिका वो वफात पा चुके हैं। दोस्तों अगर उनके वफात पाने की बात की वजह बताई जाए कि उन्हें ऐसा क्या हुआ, ऐसा कोई मर्ज तो नहीं था, तो इसमें सोशल मीडिया पर एक बहुत ये बात वायरल कर रही है कि किंग्स जोन्स को दिल का अटैक आया था जिसकी वजह से वो ये दुनिया छोड़कर जहाने फानी में जा बसे, यानी उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। दोस्तों ये यकीनन ही एक बहुत ही बैड न्यूज़ है जिसे सुनकर पहले मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा, तो अब मैं ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों आप लोग इसे फेक नहीं समझ सकते, आप लोग जहां मर्जी से चाहें इसे कन्फर्म कर सकते हैं कि किंग्स जोन्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मुझे इस बात पर सद अफसोस है कि वो तीसरी मर्तबा जब कराची को एक अच्छे रास्ते पर लेकर चले, उन्होंने कराची को एक ऐसे डगर पर चलाया जिस पर वो चलकर सेमीफाइनल में PSL 5 में, जो कि COVID-19 की वजह से डिले हो चुका था, उसके मैचेस अब नवंबर में होंगे, उसमें कराची किंग्स सेमीफाइनल में जा चुका था। दोस्तों ये थे उनके कुछ कमालात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कम अज़ कम एक मर्तबा दरूद पाक पढ़कर उन्हें बख्शें, अगरचे वो मुसलमान नहीं थे, हम लोग उनकी मगफिरत की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हज़रत अली का फरमान है जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो हमारा उस्ताद है। दोस्तों अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में देखा जाए तो वाहिद ऐसे कोच थे जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड एज ए टीम ऑफ PSL 5 उन्होंने बिफोर PSL 5 यानी कि PSL 3 में और 4 में किंग्स यूनाइटेड को उन्होंने सपोर्ट किया, रहनुमाई की, उनके प्लेयर्स को सही डगर दिखाई, उन्हें रास्ता सही दिखाया। जब उन्हें रास्ता सही दिखाया तो उन्होंने उस पर अमल करके उनके बताए हुए तरीक़ों को मैदान अमल में यानी फॉलो करके उन्होंने दो बार अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में कामयाबी लिखी। दोस्तों ये बात ठीक है कि उस्ताद उस्ताद होता है, चाहे वो किसी कौम, किसी मजहब, किसी कबीले का ही क्यों ना हो। दोस्तों ये अब हमारा फ़र्ज बनता है और कि हम लोग उनकी मगफिरत की दुआ करें, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाया जो हम सीख भी नहीं सकते थे। जी हाँ दोस्तों,
एंड पर इस वीडियो के एंड पर मैं उनकी शान में यही बात कहना चाहूँगा कि उन जैसा अब तक ना कोई कोच पाकिस्तान के प्लेयर्स को मिला है और ना मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं और उनके तमाम गुनाह माफ अता फरमाएं। ये थी दोस्तों क्रिकेट के बारे में कुछ अपडेट्स, कुछ ऐसी हकीकत जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।